गर्म पानी है, इसमें हल्दी या नमक हम डालेगा। आप लोग जानते हैं हल्दी या नमक एंटीबायोटिक है। इसमें हम अभी ये आलू धो करके रखे हैं, इसको हम उसमें डाल देंगे और इसका पानी तुरंत निकाल के फेंक देंगे। ये पानी हम इसलिए फेंक देंगे जो बहुत शुगर पेशेंट लोग आलू नहीं खाने चाहते हैं, क्योंकि उन लोग को शुगर बढ़ेगा। लेकिन इससे फेंक देने से ही पानी शुगर नहीं बढ़ेगा और इसका जो यूरिया होता है आलू में डालाता है, चाषी लोग डालते हैं, वो भी निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग साल भर में पूरा सब्जी जो पका के खाते हैं उसमें 7 से 7.5 किलो तक यूरिया हम लोग का शरीर में जाता है, इसीलिए हम लोग का बीमारी ज़्यादा फैलता है। इसके लिए बॉयल कोई भी सब्जी बॉयल करके एक बार फेंक देने से अच्छा होता है, शरीर के लाभदायक है। इसका पानी हम सब गिरा दिए हैं, छाक लिए हैं इसमें। आप प्याज को भी धो के हम रख लिए हैं। ये चिकन का छोटा छोटा पीस बना लिए हैं, क्योंकि बड़ा पीस बनाने से मसाला नहीं जाता भीतर में, तो अच्छा नहीं लगता हमको, इसीलिए हम अपना हिसाब से पीस बना लिए हैं। अरे सब मसाला हम, ये हल्दी है, मिर्ची पाउडर है, ये एक किस्म का मद्रासी मिक्स, ये है मिक्स मसाला है, अरे जीरा है, जीरा पिसा हुआ है, और ये वो काला मिर्च है पिसा हुआ, और एक गरम मसाला, हर किस्म का मसाला, जीरा, अरे ये सब है, अरे तेज़पत्ता है, स्वाद अनुसार नमक है, अरे आधी लहसुन का पेस्ट है, दही है, खट्टा दही, तेजपत्ता छोड़कर हम सब मिला देंगे चिकन में। और 20 मिनट का बाद इसको हम बनाएंगे। सब मिक्स कर दिए हैं, इसको हम मिला देंगे सब अच्छे से। यहाँ हम अपना अंदाज से तेल डाल दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं, तो तेल को पकने के लिए छोड़ देते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम 2 इलायची, दालचीनी और थोड़ा सा जावित्री डाल रहे हैं टेस्ट के लिए, और तेज़पत्ता इसमें डाल देंगे। इसमें हम प्याज है, इसमें
इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि जल्दी प्याज गल जाएगा। देखिए प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी देके ढक देंगे तो प्याज गल जाएगा। ढक दिए हैं, कवर कर दिए और इसको फ्लेम को लो में कर देंगे। देखिए इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के बाद में इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। हो गया है ये वाला भुना दिया है मसाला, अब हम इसमें आलू डाल दे रहे अच्छा से मिला के इसको फिर से हम धीमा आग में रख देंगे। अपने पानी सूख जाएगा, भुना भुना हो जाएगा, ये चिकन भुना हो गया। देखिए चिकन भुना हो गया है, अब इसमें मैं घर का बना हुआ कश्मीरी मेथी डालेंगे। पहले से डालने से भुनने से तीता लगता है, इसीलिए हम अभी डालेंगे और थोड़ा सा चला के उसको उतार देंगे। थैंक यू।